अब हम एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक को भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी बॉडी के मैटर के हॉटनेस, यानी कि वो कितना गर्म हुआ है, और कोल्डनेस के वो कितना ठंडा हुआ है, इसकी पैमाइश को, मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। आमतौर पर हम टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को सेल्सियस या फॉरेनहाइट में मेजर कर रहे होते हैं। जबकि एक तीसरा स्केल भी होता है जिसे एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल भी कहते हैं, जिसे लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल से मेजर करते हैं तो हम उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम इक्वल टू जीरो। चार्ल्स के लॉ के मुताबिक अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि हम टेम्परेचर को इतना कम कर दें कि एक वक्त आए कि मैटर का वॉल्यूम ही ज़ीरो हो जाए। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। और ये कंसेप्ट रियल गैस पर अप्लाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम ज़ीरो हो गया, यानी कि वो चीज़ फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। और इस पॉइंट पर लेवाजियर का कंजर्वेशन लॉ जो है वो भी गलत हो जा रहा है, जो कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही कोई चीज़ बनती है और ना ही कोई चीज़ घटती है या ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी चीज़ रिएक्शन का पार्ट हो और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ये गलत हो जाएगा। यानी कि चीज़ बनती भी है और घटती भी है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। और ये आइडियल गैस पर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, रियल गैस पर ये अप्लाई नहीं हो सकती। आइडियल गैस के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो ज़ीरो केल्विन होता है या -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है।